तुम सारा मेरा जो मैंने मन में सोच के रखा तुम भी वही बोल रहे हो। तो तुम एक काम करो, पहले बता दो कि तुम ये सोच रहे हो, फिर वो नहीं रिपीट करके कुछ और। अगेन लाइक टू आस्क एवरीवन, ये वाला एक बार फिर से करते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Tihal and we are back with another vlog. And in this vlog, we'll tell you guys the best places to eat in Delhi. So, Manas, what do you want to say? So, I just wanted to say that this best places to eat is depending on the breakfast, lunch and dinner. You can have any place that I would suggest to someone which I like, really like the food and the vibe of the place. That is local in CP. I was about to say this. Okay, that is one of my favorite places. Right, it's one but of our favorite. Yeah, because you know, if you go right at around I think by 11:30 or 12 they start. We can have really amazing parathas over there. And then they have a very nice list of menu where you have all kinds of food. And yeah. The second favorite is Cafe Delhi Heights. Yeah. I have recently posted a picture on Instagram. You guys must have seen that. Food and everything is very nice, and there are so many outlets of Cafe Delhi Heights in Delhi. CP wala is our favorite. वहीं हम लोग ज़्यादातर जाते हैं. सारा खाना वहाँ का बहुत अच्छा है, but specially जो हम लोग mention करना चाहते हैं वो क्या है मानस? वो है Juicy Lucy Burger. Yes. Because it is also very famous for its burger. The Juicy Lucy Burger is like glass apart. It's really nice. तो ठीक है, मेरा turn है. तो मेरा अगला स्पॉट है जो कि आप एनी टाइम जा सकते हैं, वो है राजेंद्र एक्सप्रेस। तुम सारा मेरा जो मैंने मन में सोच के रखा है तुम भी वही बोल रहे हो। तो तुम एक काम करो, पहले बता दो कि तुम ये सोच रहे हो, फिर वो नहीं रिपीट करके कुछ और बोलेंगे। नहीं ठीक है चलो। दिस इज समथिंग व्हिच आई लव, यू नो, वी हैव ऑल काइंड ऑफ क्यूजिंस लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वेजिटेरियन। नॉनवेज प्लेटर इज द बेस्ट। नॉनवेज प्लेटर इज रियली गुड। एंड आई थिंक वी आल्सो हैड ट्राइड दाल मखनी रोटी, वो भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कोई वेजिटेरियन अगर जाना चाहे तो उनको मेरे हिसाब से वेजिटेरियन प्लेटर भी उनके पास है, पनीर मशरूम एंड ऑल दैट। सो दैट वाज सो द फोर्थ वन इज सोशल, जो कि साउथ दिल्ली में तो वहाँ का भी मेरे ख्याल से सारा का सारा खाना बहुत ही अच्छा है। आप छोले भटूरे खा लो या फिर आप नॉनवेज प्लेटर ले लो या फिर कुछ भी, सब कुछ ही बहुत अच्छा है। तो दिस इज इनफैक्ट हॉस खास का सोशल जो है हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब की स्पेशल भी है, क्योंकि वो आप अगर ऊपर जाते हैं तो उनका व्यू बहुत अच्छा है। वो जो हॉस खास जो गार्डन का व्यू है उनका, वो बहुत अमेजिंग है। तो या वी लव सोशल, और इनफैक्ट ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग अगर दोस्त के साथ रहते हैं तो जैसा नाम ही सजेस्ट करता है सोशल है, तो हम लोग यहाँ जनरली जाते हैं। गुड क्वालिटी वाइब इज वेरी गुड। तो ग्रेट, हमने कितना बता दिया, मैंने फोर्थ बोला है, नाउ फिफ्थ वन यू विल सजेस्ट। फिफ्थ वन व्हिच आई वुड सजेस्ट, आई एम श्योर कि आप लोग सब लोग उधर गए हुए हैं, इट इज काकेदा होटल। या आई होप यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, वो नहीं हमारे माइंड में था। तो काकेदा होटल आल्सो इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, इन फैक्ट इज एन इकोनॉमिकल ऑप्शन व्हेन यू आर यू नो इट इज जस्ट आउटसाइड द सीपी सर्कल। तो वहाँ जब भी हम जनरली जाते हैं रात वात को, कभी अगर मन करता है हमें आउटिंग करने का, ड्राइव पे जाने का और कुछ खा कर आने का, तो हम लोग बहुत क्विकली जाते हैं काकेदा होटल। दे हैव आई थिंक स्नेहल इज एन एक्सपर्ट इन डिशेस। वहाँ पे मटन पुलाव इज अ मस्ट, आप जब भी जाइए तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। और एक वो बनाते हैं पालक डाल के चिकन। नेक्स्ट वन इज बिरयानी बाय किलो। बिरयानी बाय किलो सबको मेरे ख्याल से, बिरयानी किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। और मैंने बहुत जगह का बिरयानी ट्राई किया, मैं तो बिरयानी के लिए इतनी पागल हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ का बिरयानी नहीं ट्राई किया, लेकिन बिरयानी बाय किलो इज द बेस्ट। वहाँ का जो बिरयानी है, चिकन बिरयानी खा लो, मटन बिरयानी खा लो, अल्टीमेट। राइट, पहले ऐसा होता था कि स्नेहल को हम कहीं भी लेकर जाते थे, किसी भी नई जगह, तो फिर यू नो व्हेन वी एज फ्रेंड्स यूज्ड टू गो आउट एवरीवन वुड ऑर्डर एनीथिंग, लेकिन स्नेहल का इट वाज फिक्स, शी वेंट टू द स्मॉलेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट, शी वुड ऑर्डर बिरयानी ओवर देयर इफ इट वाज अवेलेबल। तो बिरयानी उस समय से रुक गया है, और आई थिंक वी हैव ट्राइड बिरयानी ऑलमोस्ट इन मैक्सिमम आउटलेट्स इन दिल्ली। Apart from biryani by kilo, there's one more place that I would like to suggest here is
बिरयानी ब्लूज, बिरयानी ब्लूज है जी। अपार्ट फ्रॉम दीज टू उसके बाद मुझे कहीं का उतना पसंद नहीं है। एक हम लोग वो कहते हैं ना बीकानेरी बिरयानी, वो जो था बीकानेरी बिरयानी, बीकानेरी वो जो था सरदार बीकानेरी बिरयानी, हाँ। तो मेरे हिसाब से ये जो क्वालिटी है बिरयानी ब्लूज का या बीकानेरी बिरयानी का, लेकिन आई थिंक बिरयानी बाय किलो इज अ लिटिल लिटिल यू नो ऑन अ हायर साइड, थोड़ा सा हम लोअर साइड पे। तो वी आर कमिंग टू दिस, यू सेड अबाउट द सिक्स्थ ऑप्शन, सिक्स्थ, तो आई एम टेलिंग यू द सेवंथ ऑप्शन। तो सेवंथ ऑप्शन दैट आई हैव, इफ यू आर लाइक रियली फॉन्ड ऑफ गुड नॉन वेज फूड एंड ऑल दैट, देन वी हैव असलम चिकन। दैट इज लाइक वन प्लेस वेयर यू नो वन हु लव्स नॉन वेज यू नो शुड शुड सर्टेनली गो देयर। And you should try butter chicken. Yeah, it's literally just butter and chicken. And chicken. So they have that butter. That is not usual butter chicken that we have. Yeah. वो पूरा का पूरा roasted chicken you get in पूरा butter में डाला हुआ। वो actually वो chicken tikka रहता है जो कि वो लोग बाहर ये करते रहते हैं, roast करते रहते हैं, और वो बाहर जाकर और वो एक छोटा से जैसे कि एक vessel रहता है उसमें देते हैं, उसमें butter literally float करता रहता है, उनका अपना मसाला और वो chicken है। तो वो ऐसा है कि जो जनरली हमें सर्व करते हैं रुमाली रोटी के साथ, या अगर इफ यू वांट यू कैन हैव दैट खमीरी रोटी एज़ वेल, दैट इज वन वन रियली रियली नाइस चॉइस व्हिच यू नो व्हिच आई लाइक रियली लव इन दैट नजामा मस्जिद स्ट्रीट। अब स्नेहल वी आर अप फॉर द एट्थ ऑप्शन। एट्थ वन इज, एट्थ वन इज ओ कलकत्ता, ओ कलकत्ता या ओ कलकत्ता, क्या नाम है एग्जैक्टली आई एम कंफ्यूज्ड, बट ये है और ये है इसका आउटलेट कहाँ का है ये मुझे नहीं पता, बट जो हम जाते हैं वो है एक्चुअली हमारे साइबर हब, साइबर हब वाला, हाँ वो कलकत्ता में बेस का नाम है। तो हम लोग दोनों को, इनफैक्ट मानस को भी और मुझे भी, बंगाली क्यूजीन हम लोग को बहुत पसंद है, फिश करी और कुछ भी बंगाली जो भी मिठाई है स्वीट्स है, तो वी आर रियली फॉन्ड ऑफ बंगाली क्यूजीन। इसके लिए माई एट ना, कौन सा जगह बहुत बढ़िया है, तो ये एक स्पेशलिटी है, मुझे आंध्रा भवन बहुत पसंद है। लेकिन आंध्रा भवन के लिए एक चीज है कि उसमें बिरयानी बनती है, एक्चुअली बिरयानी से ही रिलेटेड है क्योंकि बिरयानी हम लोगों को इतना पसंद है, लेकिन वो केवल संडे को, संडे ही मिलता है ना संडे, और संडे को वो इनफैक्ट वो लंच के टाइम से ही मिलता है। आंध्रा भवन अगर आप जाएं तो वहाँ पे आप ट्राई करें चिकन बिरयानी और मटन रोस्टेड। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था वो, क्या था मटन रोस्टेड था स्नेहल या मटन कुछ स्पाइसी था, लेकिन वो चिकन बिरयानी और मटन रोस्टेड आप ट्राई कीजिए, आपको और कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बस दिल खुश करके खाइए, मस्त रहिए उसके बाद। ये बहुत जल्दी जल्दी नाइन्थ ऑप्शन हो गया, लगता है ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाला अगर हम बोलते जाएंगे, इसलिए हमने इसको लिमिटेड रखा है 10 के लिए। एंड वी बोथ आर बिग टाइम फूडीज, हमको आप सिर्फ खाने की बात करा लो, कहीं भी हम खाने के लिए इनवाइट कर लो, कहीं भी चले जाते हैं खाने के लिए, कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। तो आप यू आर अप फॉर द 10th ऑप्शन, नहीं 9th ऑप्शन, 9th इज व्हाट आई सेड राइट नाउ, ठीक है। वन इज टिक्का जंक्शन, और टिक्का जंक्शन में तो सारे टिक्का वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, और उसके बाद आप ट्राई कीजिए वहाँ का मिक्स्ड चिकन हक्का नूडल्स है, वो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सारी चीजें अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें जो हमने ट्राई की और हम बार बार ट्राई करते हैं वो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। टिक्का जंक्शन का भी बहुत सारा आउटलेट है दिल्ली में, जो हमारे घर के नियरेस्ट है वो जनकपुरी में है, तो टिक्का जंक्शन इज द 9th ऑप्शन। ठीक है, 9th ऑप्शन इज डन, सो नाउ द 10th ऑप्शन इज लाइक, इट्स लाइक वन ऑफ आवर फेवरेट्स, देयर दे सेड अर्लियर, आई नो दैट इज निजाम्स काठी का बात, Nizam's Kathi Kebab is in the inner circle of CP. Oh, it does serve, you know, one of the best rolls in town. Abhi ye hai ki during the lockdown when we're not like really allowed to go out a lot, whenever I used to, like it was urgency and we had to go that side. So
वंस इन अ वीक ये फिक्स है कि वी हैव टू गो देयर, वहां पे अब अंदर आप जाकर के नहीं खा सकते हो, गाड़ी में पैक किया खा लिया, मतलब हमारा ये एक समझो आप वीकेंड का फिक्स है वहां जाना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो गाइस दिस वेयर दीज आर जस्ट द नॉन वेज वाला ऑप्शन, वेज के लिए हम अलग से कुछ करेंगे। हम लोग बेसिकली जो है पूरा पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन ही है, तो हमने इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हमारे फेवरेट हैं, उसमें एक है खान चाचा। खान चाचा बहुत अच्छा है, फिर अगर आप पुरानी दिल्ली जाते हो तो वहाँ पे अल जवाहर बेस्ट है। ये हमारा लिस्ट था list of favorites of our all kinds of food, especially if it does not include only non veg, kuch vegetarian items aapko zarur milenge sare। kabhi hum veg bhi kha lete hain, uske liye we'll do another vlog। yeah so do you want to say anything? yeah absolutely, I wanted to say you that you know if you will be really pleased if you could just put in your comments of your favorite food junctions, and I would sincerely like to thank everyone, the likes and you know the subscription is increasing. So that's it for today guys, we'll see you guys with our next vlog. Till then do subscribe to my YouTube channel, like, comment and share. Thank you so much. Thank you, love you all, bye bye.